नमस्कार देश विदेश सहित विकास सब लिटिन आरंभ करवा प्रथम देखा कौन रही हेडलाइंस आसला नवेम्बर मास पाई गाइडलाइन सकाळ 5टा रु राती 10टा जाए सबु खोला नवेम्बर पाई गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार परांचल रे बलवत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू राती 10 रु सकाळ 5टा जाए नाइट कर्फ्यू G20 सम्मेलनरे भारतर दबदबा अगस्तर तृतीय दिनरे विभिन्न देशर राष्ट्रमुख्यक सह कथा होइथिले प्रधानमंत्री जर्मनी चांसलर आंजेला मर्केल ओ स्पेन प्रधानमंत्रीक सह भेटघाट महामारी अर्थनीति ओ जलवायु परिवर्तन उपरे मानस मंथन आजि हुजि भारतर लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेलक जन्मदिन लौह मानवक श्रद्धाञ्जलि जनाइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिले सरदार पटेलक द्वारा अनुप्राणित हो देश आभ्यन्तरीण ओ बाह्य चैलेंज गुडिकर मुकाबला करबा पई होई पारिछि सक्षम प्रथमरु सप्तम श्रेणी पिलांक पई खूब शीघ्र खोलिपारे स्कूल दीपावली परे जेकोनसी समयरे सरकार नेई पारंती निष्पत्ति विद्यालय ओ गणशिक्षा मंत्री समीर दासक सूचना कहिले कोरोना तृतीय लहर आसिबा संभावना कमी कमी आसिलानी तेणु स्कूल खोलिबा नेई आसिपारे निष्पत्ति मोदीक सरकार समय गरीब लोकंक सर्वाधिक गुरुत्व देशर चाषीों हित उन्नति समर्पित मोदी सरकार यूपी रे दलय बैठक में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बयान वल्लभ भाई पटेल को जयंती रे जणाइले श्रद्धांजलि एवं चली टी20 विश्वकप रे भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबला टॉस जीती प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नहीं न्यूजीलैंड भारतर बैटिंग विपर्य आसवा संपूर्ण खबर को G20 समिट्रे भारतर पक्ष रखिले प्रधानमंत्री सबुठी जोरदार स्वागत टॉप देशर राष्ट्रमुख्यक सह पीएम को आलोचना बैठक द्वितीय सेशन ने मुख्य प्रसंग रही जलवायु परिवर्तन ग्लास्को अभिमुखे बाहर पूर्व प्रधानमंत्री स्पेन जर्मन चांसलर सह आलोचना करते G20 सम्मेलन में भारतर दबदबा चमकिले प्रधानमंत्री भारत को प्रशंसा करुछि विश्व समिटर द्वितीय सेशन रे प्रधानमंत्री मोदी गस्तर तृतीय दिन रे विभिन्न देशर राष्ट्रमुख्यक सह कथा होइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट परे अन्य देशर मुखियांक सह ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन पहुंचीथिले मोदी ग्लास्गो अभिमुखे बाहरिबा पूर्वरु जर्मनी चांसलर आंजेला मर्केल और स्पेन प्रधानमंत्रीक सह भेटघाट कोरोना काल रे प्रथम थर सुजोग थिला जेतेबेले विश्वर प्रमुख नेता गोटे मंच रे एकाठी होइथिले महामारी अर्थनीति और जलवायु परिवर्तन उपरे होइथिला मानस मंथन एही अवसर रे मोदी देइथिले वन अर्थ वन हेल्थ रे मंत्र मोदी कहिथिले 150 रु अधिक देश रे भारत मेडिकल सप्लाई करुछि सबडे समिट रे ग्लोबल लीडर को भेटिछंति मोदी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट रे मध्य मानस मंथन होइथिला एथिरे 2030 जाए 17टी टार्गेट 244 इंडिकेटर यूनिवर्सल इन नेचर एवं विश्व पाई एक फ्रेमवर्क करिबा और सप्लाई चेन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि इटाली परे ग्लास्गो रे प्रधानमंत्री COP26 समिट रे भाग नेबे जेउठी मध्य जलवायु परिवर्तन रहिबो मुख्य प्रसंग एथिरे 120 रु अधिक देशर नेता क्लाइमेट चेंज संपर्क रे मानस मंथन करिबे एही गस्त बेले मोदी इज्राएल प्रधानमंत्री सह आलोचना करिबार मध्य कार्यक्रम रहिछि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज सबडे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर लौह मानव भावे जना सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मदिन में प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करलक्षे वीडियो वार्तार प्रधानमंत्री कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुप्राणित हो देश वर्तमान आभ्यंतरीण और बाह्य चैलेंज गुड़िकर मुकाबला करने सक्षम हो पारी से कहते भारत खाली भौगोलिक दृष्टिकोण एक देश नुहे यह बड़ बड़ अवधारणा भावना सभ्यता और संस्कृति में परिपूर्ण एक विशालकाय देश से कहते माटी से 135 कोटी भारतीय बास करश माँपाई से आत्मा से स्वप्न और से आकांक्षा सब उज्जीवित हो रही
मोदी सरकार समय गरीब लोक सर्वाधिक गुरुत्व देश में चाषी हित और उन्नति समर्पित मोदी सरकार यूपी रे दलय बैठक में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बयान प्रधानमंत्री मोदी और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जनता एक ईमानदार चिंतनशील सरकार दमदार काम को अनुभव करपरी वल्लभ भाई पटेल जयंती श्रद्धाजलि जन केन्द्रमंत्री यूपी रे दलय बैठक में प्रधानमंत्री को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रशंसा मोदी सरकार समय गरीब लोक सर्वाधिक गुरुत्व दि जाऊंट धर्मेन्द्र ब्रज क्षेत्र मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी बैठक में जोग देते केन्द्रमंत्री देश में चाषी हित और उन्नति समर्पित मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार समय गरीब लोक सर्वाधिक गुरुत्व दि जाऊँ समस्त जनकल्याणकारी योजनार सबुठ अधिक लाभ गरीब लोक मिलू रविवार उत्तर प्रदेश हाथरस ठार ब्रज क्षेत्र मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी बैठक में जोगद एक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अगले साल प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव होगा पार्टी उसकी तैयारी में जुटी है दो दिन पहले पार्टी की यशस्वी नेता देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक प्रकार से इस अभियान का लखनऊ से शुरुआत किया है 4 करोड़ सदस्यों की आधार पे उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा मत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इकट्ठा करना इसकी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पार्टी ने लिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेउ किंबा गरीब कल्याण योजना बीजेपी सरकार रे समस्त जनकल्याणकारी योजनार लाभ सबुठ अधिक गरीब लोक मिली करोना समय लोक आवश्यक खाद्य प्रदान सह आर्थिक सुविधा और अन्यान्य सहायता जगै दि जा प्रधानमंत्री मोदी और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जनता एक ईमानदार चिंताशील सरकार दमदार काम को अनुभव कर मिलने का मेरे को अवसर मिलेगा हम बूथ तक 15 प्रमुख बना के कैसे की हुई कामों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे इसकी रचना बना रहे सही उत्तर प्रदेश में डीएपी सार अभाव नहीं प्रसंग नहीं से केंद्र रसायन एवं सार मंत्री मनसुख मांडविया आलोचना कर डीएपी सार अभाव नहीं उत्तर प्रदेश में सार अभाव दिजो नहीं विभाग मंत्री आश्वासना देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार देश में चाषी हित और उन्नति समर्पित अच्छी चाष पर उत्तर प्रदेश समेत देशर प्रत्येक चाषी को पर्याप्त परिमाण डीएपी सार पहुंचा जाउछि बोली केन्द्रमंत्री कहते सेहीपरि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती अवसर में श्रद्धांजलि जनइले केन्द्रमंत्री देशवासी को राष्ट्रीय एकता दिवस शुभकामना जनइछंती केन्द्रमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति प्रतीक थे अखंड भारत गठन तथा देश को स्वाधीनता देवे योगदान अतुलनीय थिला बोली केन्द्रमंत्री कहते ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज अच्छा परवर्ती खबर को नवंबर मास पाई की गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार कोविड पाई की गाइडलाइन जारी करा जाई छी नवंबर 1 रु डिसेंबर 31 जाए कोविड गाइडलाइन जारी करा जाई छी पौरांचल रे गाइडलाइन अनुसार बलवत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू राति 10 रु सकाळ 5टा जाए नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो सेहिपरि राज्य रे सप्ताहांत शटडाउन लागू हेबो नै सकाळ 5टा रु राति 10टा जाए सबु खुला रहिबो सेहिपरि आगु को दीपावली एवं काली पूजा को लक्ष्य करी कटकणा जारी करा जाबो कटकणा माने पर्वपर्वाणी पालन करबा को गाइडलाइन ने निर्देश दिया जाए छि बाण बिक्री एवं कुटाइबा उपरे स्वतंत्र नियमावली आसो बोली मध्ये एही गाइडलाइन रे कहा जाए छि सबरे प्रथम सप्तम श्रेणी पिला खूब शीघ्र खोली पारे स्कूल दीपावली परे जेकोसी समय रे सरकार ए संपर्क में नहीं पारते निष्पत्ति आज विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास यही सूचना देते से कहते जे कोरोना तृतीय लहर आसवा संभावना कमी कमी आसला अष्टम रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा स्कूल होेणु प्रथम रु सप्तम श्रेणी पिला स्कूल खोल को सरकार तुरंत निष्पत्ति ने दीपावली परे जेकोसी समय सरकार एने निष्पत्ति नहीं पारती सूचना देते
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା, ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମି କମି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି 8ରୁ 12 ତ ଖୋଲା ଜାରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଆଶା କରିବା ଯେ ଦିୱାଲୀ ପରେ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। अच्छा प्रवृत्ति खबर को ममिता हत्या मामला और महालिंगी जौन केलेंकारी अभियोग में चुप बीजेडी हेवीवेट। गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रों लिंक अभियोग आसुवा बेले बीजेडी नेता मुहर तुंडी बहुचर्चित छविराणी घटना रे बिजु बाबू देते स्लोगान अंजना मिश्र घटन भी बीजेडी करथला जोरदार आंदोलन एवं कितु ममिता पाई बदली आभिमुख्य महिला सुरक्षा रे पछरे ओडिसा बीजेडी को ममिता आत्मा भय बीजेडी नेता मुहरे तुंडी प्रश्न कले मुह बुलाई पलाउछंती दलर हेवीवेट। छवि राणी अंजना बेले गोटे आभिमुख्य ममिता बेले भिन्न माँ को सम्मान कथा कहुवा दल पाखरे नाही उत्तर अशी दशक बहुचर्चित छवि राणी गणदुष्कर्म और हत्या मामला बेले बिजु बाबू स्लोगान थिला छवि राणी आत्मा डाकरा देछि ओडिशावासी एक ह एक डाकरा दे जानकी पट्टनायक सरकार को घेरी थे बिजु बाबू। 1999 में बहुचर्चित अंजना मिश्र घटना बेले बीजेडी नारा थिला जानकी देछि निर्यातना कांग्रेस सरकार विरोध में जोरदार आंदोलन आगरे थिले रणेन्द्र प्रताप स्वाई प्रताप जेना अरुण साहू प्रमीला मल्लिक प्रमुख एमितिक जानकी विरोध में आठगड़ में अंजना को प्रचार मैदान को ओह्लैते राजा स्वाई राजा निर्वाचन भी जीति प्रसंग करी समय बदली आभिमुख्य भी बदली माँ को सम्मान नारी सुरक्षा कथा कहुवा शासक दल को ममिता कथा पचारे मुह बुलाई पलाऊँ देखु दलर हेवीवेट मान रिएक्शन सर 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 गोटे बहुचर्चित ममिता हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त हत्याकारी गोविंद मंत्री दिव्यशंकर मिश्र खास ममिता बापा अभियोग आनी गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र महालिंग कॉलेज को जाते शारीरिक संपर्क रखा को सेक्स स्कैंडल रे मंत्री संपृक्तिर अभियोग आसुचे सारा राज्य रे प्रतिवाद निया मंत्री बहिष्कार दाबी रे प्रतिदिन आंदोलन सेबड़े बीजेडी किंतु घोषा स्वा प्रेसमिट को छाड़ी आउ हेवीवेट मुहरे तुंडी मंत्री प्रताप जेना हेलिकॉप्टर रे महालिंग कॉलेज को जाते चीफ गेस्ट हुई कहिले कैप्टेन का जीवन गोविंद हेले कॉलेज रो पिंधारी हेले प्रश्न कले से भी चुप एक वर्षर बीजेडी शासन रे टिकिरी कुंदुली पिपिली माधवीलता स्मिताराणी परी कहा को मिललानी न्याय अनेक मामलें अपराधी को सुरक्षा देले शासक दल नेता मंत्री विधायक सांसद नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो रो तथ्य कहुची दंड विधान हार रे ओडिशा तलआड़ द्वितीय आउ सेथिपाई प्रश्न पचारे मुहरे तुंडी। भुवनेश्वर रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र विरोध में आंदोलन कले बाधुची की पुलिस को सरकार विरोध में आंदोलन करिबारु पुलिस चिरिला महिला साड़ी और ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई करागला क्षताक्त ब्रह्मपुर में आंदोलनकारी तंटी चिपिला पुलिस बीजेपी और कांग्रेस महिला कर्मी को कहीं पुलिस एपरी व्यवहार गोटेपटे सरकार महिला सम्मान कथ कहुवा बेले महिला सम्मान धज्जा उड़ाई खुद
राज्य पुलिस आ पुलिस एपरी मात्राधिक व्यवहार कौन निज विभाग मंत्री को घंट घोड़ाई कि बोली प्रश्न करिसेंति बीजेपी और कांग्रेस। उड़ीला मा को सम्मान धजिया सरकार को विरोध रे आंदोलन करिपारु पुलिस चिरिला महिला को साड़ी और ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई कराकला क्षताक्त नजर पकातु एही दृश्य उपरे नवीन निवास घेराव समय रे बीजेपी रो नेत्री मानको केमिति व्यवहार करूछि कमिश्नरेट पुलिस केवल व्यवहार करी नाही बरंग साधारण संपादिका लेखा श्री समुद्र सिंघार को केमिति ब्यारिकेड मध्य रे घेराबंदी करी रखा जाछि आउ एही घटना लोकंक मनरु जाय नथिबा बळे कांग्रेस नेत्री को समान व्यवहार होइतबा अभिजोग आसिछि। एथर कांग्रेस नेत्री ड्रेस चिरिबा सह तांकर ओढणी को पुलिस नै जायतिबार संकेत अभिजोग आउ पुलिस रो मात्राधिक कार्यानुष्ठान एपरि व्यवहार को नै एबे सृष्टि होइछ अनेक प्रश्न। गोटे पटे सरकार महिला सम्मानर कथा कहुथिबा बळे कुआडे कला महिला सम्मानर नारा बोली प्रश्न करिछते विरोधी साड़ी चिरी आमको खंडिया करी रक्तक्त लहू लुहण करी सियाडे गोविंद साहू को खसई दौ चंती कौन प्रमाणित कर चंती गब्बर खुश होगा शाबाशी देगा शाबाशी मिलेगा सबको शाबाशी मिलेगा थर्ड डिग्री कर चंती पुलिस थर्ड डिग्री चले चंती एठी जे दोषी ताको खसिया को दौ चंती से खसी जाई के रास्ता रे बोलो दिव्य शंकर मिश्रा पुरुष पुलिस लगे आगे देखंतु ड्रेस चिरिबा सहित ओढणी नै जाय छथि एटा की प्रकार नारी के सम्मान की प्रकार नारी के सम्मान आ जा जवाब मांगु छु हाय हाय जवाब दियो नवीन पटनायक ताले ताले अंधार घरे केते जियंकर ओढणी काढु थिबे से माने अभिजोग आसी छि खुद गृहमंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र को नारे आ काठगडा रे राज्य रे गृहमंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र मंत्री को इस्तीफा दाबी करी सारा राज्य चलु छि हेले खोद जिलापाल एसपी केमिति खोला खोली बुलुछंती खोद मंत्री तापरे नजर पकातु आउ दिव्य शंकर मिश्र आंदोलन कले पुलिस केमिति व्यवहार करुछि ए दृश्य पर नजर पकातु ए होछि ब्रह्मपुर दृश्य केमिति चले विक्षोभकारी पुलिस व्यवहार करुछि नजर पकातु व्यवहार पाई किए देछि निर्देश गोटे पटे सरकार मो पुलिस रो बाहासपट मारुथिबा बळे पुलिस रो एपरि व्यवहार कोन नीच विभाग रो मंत्री को घंट घोडाइबा पाई कि एनी प्रश्न उठाइछन्ति विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ममिता मेहर को न्याय प्रदान दावी निरपेक्ष तदंत मंत्री दिव्य शंकर को बहिष्कार दावी करिछि छात्र कांग्रेस ममिता को न्याय दावी रे जंतर मंतर जीवा को सजवाज होउछि दल यास नवंबर 6 और 7 तारीख रे दुई दिन काल अहरात्र राजभवन आगरे धारणा रे बसिबो प्रदेश युव कांग्रेस 8 तारीख रे राज्यपाल को भेटी राष्ट्रपति उद्देश्य रे स्मारक पत्र प्रदान करिवो 9 तारीख रु दिल्ली अभिमुखे यात्रा करिवो आवासिक कमिश्नर को कार्यालय सामने धारणा देबो कांग्रेस 10 रे जंतर मंतर रे विक्षोभ और प्रतिवाद करा जो बोली युवा कांग्रेस सभापति स्मृति लेंका को संवाददाता की सम्मेलन रे से कहिछन्ते घटना घटिबार 20 दिन परे किछि पदक्षेप नेला नाही गृह विभाग नवीन निवास घेराव करा गला पुलिस महानिर्देशक दावीपत्र दिया गला किंतु किछि पदक्षेप निया गला नाही साक्षी प्रमाण नष्ट कर दिया गला परे भी प्रेस विवृति रखुछन्ते गृहमंत्री एहा संदेह सृष्टि करूछ बोली अभियोग करिछि दल पुणी पदार पड़ा कमिश्नरेट पुलिस अपारगता केन्द्र गृह राष्ट्र मंत्री को सुरक्षा देवे विफल है कमिशनरेट पुलिस कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थी भी केमी है केन्द्रमंत्री अंडामाड़ ताक नहीं उठी प्रश्न पुणी पदार पड़ा कमिशनरेट पुलिस अपारगता केन्द्र गृह राष्ट्र मंत्री को सुरक्षा देवे विफल है कमिशनरेट पुलिस कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थी भी केमी है केन्द्र मंत्री अंडा माड़ ताहा कुने उठी प्रश्न नजर पकांतु ए विजुअल को केन्द्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रा ओडिशा गस्त रे आसीथिबा बेले एयरपोर्ट छक निकट रे तांको उपरे होइछि अंडा माड़
ଆଉ କେମିତି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୁବକ? ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଥିଲା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା? ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲାଣି କି ଆକ୍ସନ? ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନପାରିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କି? ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା? ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏପରି ହୋଇଛି କି? ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ନ ହୁଏ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ତାଗିଦ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାରାଦୀପ ପରେ ଏବେ ନୂଆଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ସ୍କାମ୍। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁନା ଲଗାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଳ ଗାଁରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ମହାଘୋଟାଲକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାରାଦୀପ ପରେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଲୁଟି ନେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସମବାୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜ ପେଟରୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଦାନା କାଟି ଗରିବ କୃଷକଟିଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଉକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ। ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ହରାଇ ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାନ୍ଦୁଛି କୃଷକ। ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିରାଶ। ଅରୁଣ ସାହୁ, ଯଦି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ଆମର ଖୋଦ ହେଇକି ଆମର ଯଦି ଏମିତି ହବ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନା। ବଡ଼ ଧରଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତାକୁ ଚପେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି, 65 ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିସାରିଛି। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଏଠି ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପଇସା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗର କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଟାଟାର ମନମାନି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ହେଲେ ବୃଥା, ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ହେଲେ ବୁହା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଟଙ୍କା ପଇଠ ପରେ ବି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଟାଟାର ଦାଦାଗିରି, କମ୍ପାନୀର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ହେଲେ ବୁହା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ଦେଇ।
ଯିଏକି ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଦୀପକ କହିଥିଲେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛି, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମାଆଙ୍କୁ କୁଲରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଟାଟା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୀପକ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖ। ଫଳରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି? ଦୀପକଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MPB 41 ଗାଁରେ। କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ନଜିର ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ବାରମ୍ବାର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।